संभल में बेकाबू ट्रक ने मकान में मारी टक्कर, एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। घायल को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। संभल का थाना रजपुरा क्षेत्र के गांव दीपपुर टांडा में अनूप शहर की तरफ से आ रहा बेकाबू ट्रक घर में घुस गया, जहाँ पर रामचरण पुत्र भूरे 35 वर्ष की दर्दनाक मौत हो गई। नरेंद्र पुत्र नरेश गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक और ड्राइवर को अपने कब्जे में ले लिया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या नाम है आपका? राजेश। कहाँ के रहने वाले हो? दीपपुर डांडा। क्या है ये घटना, पूरी जानकारी बताइए। ट्रक आ रहा था उत्तर की तरफ से हाई स्पीड पे, लापरवाही चला रहा था, वो लापरवाही से चला रहा था। इसमें ये यहाँ पट्टी भर रहा था ट्रैक्टर के बराबर में, घर में खड़ा था ट्रैक्टर, और अंदर जाके इसने घुस के मारा। दीवार अंदर जाके क्षतिग्रस्त कर दिया पूरा सामान, और वो अंदर खड़ा था अपने घर, जानबूझ के मारा है, जानबूझ के मारा है। आज दिनांक को थाना रजपुरा के दीपपुर डाणा गांव में एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गया, जिसमें घर में रह रहे रामचरण सनप भूरे, जिनकी उम्र 35 साल है, मौके पर मृत्यु हो गई। नरेंद्र सनप नरेश निवासी चमनपुरा घायल हो गए। पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची, ट्रक और ड्राइवर को कब्जे में लेकर थाने लाई। घायल को अस्पताल हेतु उपचार हेतु अस्पताल रिफर किया गया। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है।